वडोदरा की 16 साल की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीतने के पीछे के राज को बताया है। आयुषी ने बताया कि उन्हें हमेशा से ही ग्लैमरस इंडस्ट्री पसंद है, इससे उन्हें ये खिताब जीतने में काफी मदद मिली है। आयुषी का मानना है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। काबिले गौर है कि वडोदरा की 16 साल की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया था। यह प्रतियोगिता 19 दिसंबर को गुड़गांव में संपन्न हुई थी। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन पेजेंट है और पिछले 27 सालों से कोई भारतीय इस खिताब को नहीं जीत पाया था। आपने जिस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 में पार्टिसिपेट किया था। ये एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है जो 14 से 19 एज की लड़कियों के लिए होता है। इसकी फ्रेंचाइजी अलग अलग कंट्रीज़ में दी गई है, जहाँ पे वो कंट्रीज़ अपने नेशनल पेजेंट कंडक्ट करते हैं, जहाँ से हर एक विनर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। तो मेरा नेशनल पेजेंट हुआ था 25 से 30 सितंबर तक जयपुर जयबाग पैलेस में, जहाँ पे हम 31 कंटेस्टेंट्स थी, ऑल ओवर कंट्री से सारी लड़कियाँ आई थी, और जो विन करता वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाता, और मैंने वो कंपटीशन जीता था। तो मैं मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का टाइटल मिला था, और मैंने इस साल 13 से 19 दिसंबर दिल्ली में इंडिया को मिस टीन इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया था। ये कॉम्पिटिशन 1993 से हो रही है, और ऐसा 27 सालों में पहली बार हुआ है कि इंडिया को ये क्राउन मिला है, और इंडिया के साथ साथ मैं फर्स्ट एशियन भी होती हूँ जो जिसने ये क्राउन जीता है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैं फाइनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकी और ये क्राउन लेके आई हूँ। तो जब मैंने कंपटीशन किया था, स्टार्ट किया था, जब मैंने सिर्फ ऑडिशंस दिए थे, तब मैं बहुत ही ज़्यादा रॉ थी। सिर्फ मुझे पता था कि मुझे जाके वॉक करना है और क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, मैं बहुत रॉ थी। बट जब मैं सिलेक्ट हो गई नेशनल पेजेंट के लिए, तब मैंने डिसाइड किया कि अब जाना है तो फुल ऑन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ जाना है। तो मैं बॉम्बे में कोकोबेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। वो अपने वॉक, Q&A, मेकअप सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से बैठते हो, चलते हो, खाते हो, सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने उनसे ट्रेनिंग लेके नेशनल पेजेंट के वक्त गई थी। नेशनल पेजेंट के बाद भी मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, और साथ ही पुणे में रितिका रामत्री करके है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, और उन्होंने भी मुझे सब सिखाया, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल पेजेंट के लिए गई थी। ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत कम एज हो जाती हैं, तो कैसे आपको इसके बारे में प्रेरणा मिली, कैसे आप मोटिवेट हुए इस फील्ड में जाने के लिए पर्टिकुलरली? मुझे पहले से ग्लैमर इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा खुद उन उसके तरफ अट्रैक्ट किया है। मुझे लाइमलाइट में रहना पसंद है, लोग का अटेंशन, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग जाने मुझे, मैं कौन हूँ, मेरा टैलेंट क्या है। इसलिए हमेशा से मुझे उस इंडस्ट्री में जाना था। जब भी मैं किसी चाइल्ड एक्टर्स या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट को देखती थी, तो हमेशा से होता था कि एक बार मुझे भी वहाँ पे जाना है। जब मैंने ब्यूटी पैजेंट्स देखना चालू किया, फेमिना मिस इंडिया में देखती थी, तो मुझे होने लगा कि नहीं, मुझे भी रैंप वॉक करना है, मुझे भी क्वेश्चन आंसर्स करना है। बट फिर पता चला कि वो 18 से स्टार्ट होता है, और मैं अभी बहुत छोटी हूँ। फिर इंटरनेट पे सर्च करने से पता चला कि टीन्स के लिए भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। तो एक साल इस कंपटीशन का फॉलोअप रख के, उसके बारे में रिसर्च करके, सारी चीज़ें जान के, उनके विनर्स, कंटेस्टेंट्स, सब कुछ जानने के बाद मैंने एक साल के बाद इसके लिए ट्राई किया। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल मॉडलिंग फील्ड ऐसी हो गई है कि लोग ज़्यादा उसमें नहीं सपोर्ट कर पाते, करते हैं क्योंकि लोग का मिसकंसेप्शन है। बट मेरे मॉम डैड को जब पता चला कि ये मेरा ड्रीम है और मुझे इसमें जाना है, तो उन्होंने बहुत एनकरेज और मोटिवेट किया कि तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है। मेरी मॉम ने मुझे हर जगह अकंपनी किया है, मेरी सारी ट्रेनिंग के वक्त, और मेरे डैड ने अपनी बहन, मेरी बहन है जो 6 साल छोटी है, उसके साथ यहाँ पे रहे हैं। सो उन सबका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है इस विक्ट्री के पीछे। तो क्या आगे किस फील्ड में जाना चाहती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं आप आगे? अभी फ़िलहाल तो इस क्राउन के साथ मुझे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, और साथ में मैं अभी 11th grade में आनंद विद्या विहार स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो अब नेक्स्ट मेरा 12th grade आएगा, तो उसमें फोकस करना है। मुझे अपना बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन
करना चाहती हूँ मैं। और जैसे मैंने कहा, मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं फेमिना मिस इंडिया में जाऊँ और जीत के इंडिया को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो मे बी मैं 2023 में उस पे उसके लिए ट्राई करने वाली हूँ। यस, आपके उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? श्योर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, बिकॉज एंड गिव योर बेस्ट इन योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स आर समथिंग दैट गिव यू अ पर्पस टू लिव इन लिव लाइफ। और लाइफ को तुम एक रेस की तरह मत लो, इस जो फिलहाल हो रहा है प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि ये मोमेंट अगर इन्जॉय नहीं किया ना तो ये चला जाएगा। सो ड्रीम बिग एंड लिव अप योर ड्रीम्स। मम्मी होने के नाते आपकी क्या फीलिंग है? बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी तो, कि इतना बड़ा टाइटल जीत के आई है। जो एक्सपेक्टेशंस हमने रखे थे उसने फुलफिल किए हैं, तो हमारे पूरे फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है, पूरे गुजरात के लिए प्राउड मोमेंट है, और पूरा इंडिया उसके लिए चीयर अप कर रहा है। मॉडल मानती हैं आप, काफ़ी जो उनकी अचीवमेंट है उसमें आपका बहुत रोल बताती हैं, किस तरीके से आपने उनको मोटिवेट किया? बचपन से ही मैंने देखा है कि आयुषी जब भी स्टेज पे जाती है तो उसमें एक अलग सा स्पार्क होता है, वो एक डिफरेंट आयुषी बन जाती है जब वो स्टेज पे होती है, जब परफॉर्म करती है। तो हमने बस उसको एंकरेज उसी बात को किया है, उसको जो भी मौके मिल रहे हैं हम उसको एंकरेज करते हैं कि सब में पार्टिसिपेट करें, अपना 100% दे और आगे बढ़ती जाए। उनके ड्रीम्स काफ़ी, मैम आयुषी के गोल्स काफ़ी बड़े हैं, वो काफ़ी कुछ अचीव करना चाहती हैं ज़िंदगी में, तो उस टाइम आप कैसे उसको मोटिवेट करेंगी, उनको जो उन्होंने गोल सेट किए हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद किस तरीके से रहेगी? उसके गोल्स बड़े हैं, उसे मिस इंडिया में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा सपोर्ट लगेगा वहाँ पे हम 100% उसको सपोर्ट करेंगे, एंकरेज करते रहेंगे। और सक्सेस तो वो हैंडल कर ही रही है, पर हम उसे ये भी सिखाएंगे कि कभी भी फेलियर आता है लाइफ में तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, कैसे मोटिवेशन उसका बढ़ाना है, और बस वो पीछे ना रह जाए, आगे बढ़ती जाए, यही हमारी शुभेच्छा रहेगी और यही हमारा एंकरेजमेंट रहेगा उसके लिए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।